हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कमल नंदलाल, आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी की खास पेशकश कल क्या करें क्या ना करें मैं वेलकम करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल आपको क्या करना है और क्या नहीं। और एक खास बात, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल उपाय। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष क्या करें, महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। मेष क्या ना करें, पीली चीजों का सेवन ना करें। वृष क्या करें, लोगों के बीच खुशी बांटें। वृष क्या ना करें, किसी काम में दखलंदाजी ना करें। मिथुन क्या करें, बहन को कोई तोहफा दें। मिथुन क्या ना करें, घर का दरवाजा खुला ना रखें। कर्क क्या करें, गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। कर्क क्या ना करें, खोई की चीज ना खाएं। सिंह क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। सिंह क्या ना करें, जरूरत से ज्यादा जोखिम ना उठाएं। कन्या क्या करें, रेड कलर का रुमाल साथ में रखें। कन्या क्या ना करें, आज किसी को भला बुरा ना कहें। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए एक स्पेशल सूचना, कुंडली टीवी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन जरूर देखें, क्योंकि किस्मत जंक्शन ही प्रोग्राम है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। और इस प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक विशेष उपाय, ये उपाय जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा। तो बने रहे मेरे साथ। तुला क्या करें, कुत्ते को मीठी पूड़ी खिलाएं। तुला क्या ना करें, फिजूल खर्चा ना करें। वृश्चिक क्या करें, खाने में तुलसी पत्र डालें। वृश्चिक क्या ना करें, बहुत ज्यादा गरम मसालों का इस्तेमाल आज ना करें। धनु क्या करें, तोते को मिर्च खिलाएं। धनु क्या ना करें, परिश्रम में कमी ना आने दें। मकर क्या करें, छोटी बहन के पांव छुएं। मकर क्या ना करें, काला कपड़ा ना पहनें। कुंभ क्या करें, हल्दी वाला दूध पीएं। कुंभ क्या ना करें, खाने में नमक का इस्तेमाल ना करें। मीन क्या करें, पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं। मीन क्या ना करें, बच्चों पर गुस्सा ना करें। तो फ्रेंड्स, अब समय है आज के स्पेशल उपाय का, और ये स्पेशल उपाय है लेजीनेस को दूर करने के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए। हमें पहले कारण जाना होगा, आलस्य क्यों आता है। आलस्य इस वजह से आता है जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो जाती है, और आपका जो शरीर है, जो आपका ब्रेन है, वह ऑक्सीजन लेने के लिए आपको ढीला कर देता है। तो आपको एक योगा का अभ्यास करना है। ये एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन के साथ साथ एक योगिक अभ्यास भी है, और आपको पद्मासन लगाना है, और पद्मासन लगा करके आपको दोनों हाथों की उंगलियों को यूं जोड़ लेना है इस तरह से, और इसे यूं रखना है, और एक मंत्र को आपको उच्चारण करना है। ओम सोहम हम सोहम, ओम सोहम हम सोहम, ये आप मंत्र करें। निश्चित रूप से 43 डेज तक प्रैक्टिस करें, जीवन से आलस्य का बिल्कुल सफाया होगा। कल क्या करें और क्या ना करें मैं बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां मैं आपको बताऊंगा आपको परसों क्या करना होगा। तब तक के लिए अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर। लेकिन एक खास बात और, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, शुभरात्रि।